का त्योहार आय पर्यूषण है। हम जैनों का त्योहार आय पर्यूषण है। आय पर्यूषण है, आय पर्यूषण है, आय पर्यूषण है, आय पर्यूषण है। हम जैनों का त्योहार आय पर्यूषण है। हम जैनों का त्योहार आय पर्यूषण है। शांति धारा करें, कृपा करें, सभी अपने दोनों माता को जुड़ लेंगे, कोई भी आपस में बातचीत नहीं करेंगे। स्थापनम करोमि ओम रिव्यंत स्थापनम करोमि प्रभु जी को लाए
आप लोग सामने से साइड में हो जाए। कुंभोगान चीरा बिस्तो पूर्तान भर सुर प्रमदा दिगान इर्वादे तबूर जय सौद कलापस्तई उद्गीय मान जगती बतु कीर्ति मेरा पीठ स्थले बस विधार जन्योल स्वामी। ओम प्रीम स्मरण पीठ जिरंदाय नमः अरिगम रब पामत ही प्रथम अभिषेक जो सौधर्मेंद्र हैं वो अभिषेक करेंगे पहले, उसके बाद सभी लोग अभिषेक करेंगे। कृष्ण पियामा ओम ऋच विस्मा देवी रांता जल्दी कृष्ण पियामा ओम ऋच विस्मा देवी रांता जल्दी कृष्ण पियामा ओम ऋच विस्मा देवी रांता जल्दी कृष्ण पियामा ओम ऋच श्रीमंतों भगवंतों के बासंतों विस्मादे महावीर माता नाम आते जम्मू दीपे पर आरिखंडे भारत से दिल्ली प्रदेश ज्योति नगर श्री दिगंबर जैन मंत्री मासुर मासे पात्र मासे शुक्ल पक्षवे एकादशी तथा गुरु बासरे मुनि आरका श्राव श्रव कड़ाम सगल ग्रहण को जल ने जिन सिंचा महासाहा ओम ऋषि विष्मा देवी राता जल्दी कृष्ण पियामा 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 राता जल्दी कृष्ण पियामा ओम ऋषि विष्मा देवी राता जल्दी कृष्ण पियामा। आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की ओ नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो बोच्छायाडम नमो लोये सबसाउडम चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रत्योधम मंगलम चत्तारी लोहतमा अरिहंत लोहतमा सिद्ध लोहतमा साहु लोहतमा केवली प्रत्योधम लोहतमा चत्तारी शरण पहुंचामी अरहंत शरण पहुंचामी सिद्ध शरण पहुंचामी साहु शरण पहुंचामी केवली प्रत्योधम शरण पहुंचामी। ओम ह्रीं मनादि मूल मंत्र ब्रह्मा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरुगुरु ओम ह्रौं छुम फट फट कीटम कीटम गाते गाते परविघ्नाय स्फुट स्फुट सहित खंडान गुरु गुरु परमंत्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न चाचा ओम फट सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्य औषधनाथ विद्याय नमो हरिन्द्रण ह्रौं सर्व शांतिम ओम माय राम श्री मा ह्रूं ओम ह्रौं स जगता उधुनासा ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुख करु सत प्राति अमृताय सुख करु सत प्राति अशोण प्रदाय हम लम ब्रह्म विजय सर्वत्र शांति गण मा सर्व शांतिम ओम ऋषि शांति शिवानंद जी साक्षात ज्योति नगर में विराजमान ढाई दीप संबंधी तीन कम नौ करोड़ मुनि महाराज विराजमान जिनके पावन चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वामती। हे गुरु वर्धन हो तो कितना पर सह सहते हो हे गुरु वर्धन हो तो कितना पर सह सहते हो सर्दी गर्मियाँ बरसात तुम अपने में रहते हो हे गुरुवर्धन हो तो कितना पर सह सहते हो उदक चंदन तंडुल पुष्प कई सरसुदीप सुधूप फलार कई धवल मंगल कानी रवा तुली जिन ग्रह गुरु राज महंग जे ओम ब्रह्म साक्षात ब्रह्म परम पूज मुनि जी पिस्वांचन कमले भियो अरिघम नरप पामति हे स्वाहा नमोस्तु 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 और धरणेन्द्र भी आए इंद्र और धरणेन्द्र भी आए देवी पद्मावती मंगल गाए आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा तीन रानी नाचे
भगवन आज तुम्हारे कार जी, आज तुम्हारे कार जी, इंद्रानी नाचे भगवन आज तुम्हारे कार जी, आज तुम्हारे कार जी, गुण गाता हूँ आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी, आपदा पार जी, भक्ति का विस्तार है, देखो आज मंदिर जीने हो रहे जयकार है। बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोली आदिनाथ भगवान की, संस्पर्शे नम संश्रवणम च दूरा तस्वाति नक्राणे विलोकनानि अर्थव्यानमति ज्ञाने बला द्रोहंता प्रज्ञा प्रधान समणा समेता प्रत्येक बोधा दर्वपूर्व प्रवादिनोष्टांग निमित विज्ञा हर से इंद्र और इंद्राणी इंद्राणी हृदय धरेंगे जिनवाणी अपना करेंगे मनवाणी और मनवाणी हृदय धरेंगे जिनवाणी वाणी और अपना करेंगे मनवाणी हृदय धरेंगे जिनवाणी हृदय में क्या रखना है जिनवाणी कौन कौन रखेगा करते नर नारी फत्तर से फत्तर मिलता लगती चिंगारी फत्तर के प्रतिमा प्यारी भोजन करते नर नारी फत्तर की प्रतिमा प्यारी भोजन करते नर नारी फत्तर से फत्तर मिलता लगती चिंगारी फत्तर की प्रतिमा प्यारी भोजन करते नर नारी जय हो मेरा मन बगिया है तुम हो फुलवारी पत्थर की प्रतिमा प्यारी पूजन करते नर नारी पत्थर की प्रतिमा प्यारी पूजन करते नर नारी पत्थर से पत्थर मिलता लगती चिंगारी पत्थर की प्रतिमा प्यारी पूजन करते नर नारी हरिहंत शिक्षा चाय पाठक साधु त्रवन बंदे जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह बंदे नव देवता एवान जग में हम सदा अर्चा करे अहवान करता पेया मन में अतुल श्रद्धा धरे ओ मेरा मन बगिया है मेरा मन बगिया है तुम हो फुलवारी पत्थर की प्रतिमा प्यारी पूजन करते नर नारी पत्थर से हरिम सरा सदा चौपात सर्व साधु जिन धर्म रेगा जिन चे चेतन स्मो अत्र अवतर अवतर संबुट हवान नमः ओम हरिम अरहम सदा चौपात सर्व साधु जिन धर्म रेगा जिन चे चेत स्मो अठारह स्थाप नमः ओम हरिम अरहम सदा चौपात सर्व साधु जिन धर्म रेगा जिन चे चेत स्मो अत्र मम सन्नितो भव पशुर सन्नति कर नमः पुष्पांजलिम क्षिपे कल कसी ने प्रश्न मिल कर पावा तेनु पल 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 याद करे चढ़ पावे ते तेरा मन का भाव लगे कर पावे ते प्रभु भक्ति में रम जावा प्रभु भक्ति दर्शन मिल पावा प्रभु दर्शन से हट जावा तेनु पल 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 याद करे तड़ पावे ते तेरे मन का आप लगे सब दिल के पावे ते जय हो सितारा किस्मत का
सितारा किस्मत का मैं आया तेरे दार दीवाना नचले रे दीवाना नचले रे मेरी नस नस पड़ के आज मयूरा नाचे रे मयूरा नाचे रे मयूरा नाचे रे मयूरा नाचे रे मैं आया तेरे दार दीवाना नचले रे दीवाना नचले रे मैं आया तेरे दार नगर में बधाई पांची बनारस नगर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे के नगरी में वीर जन्मे परसनाथ जी जय हो तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञाना वह गान अंतर संकल्प संकल्प भवतु साध्या इति तद्वारि मोक्षास्त्र दशमोध्याय नमो नमः ओतक चंदन तंडल पुष्प कई चर सुदीप सुधोप फलारक कई धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्बर जी ओम तत्वादि मोक्षास्त्र दशमोध्याय रघु नृपामति अक्षर मात्रा पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफ साधु बिरत्र मम क्षमितव्यम को न विमोयति शास्त्र समुद्री दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं साधुपवासस्य उपाशितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वार्थसूर्तकर्त्रां कर्तारां कृतपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्र सञ्जात उमा स्वामी मुनीश्वरम् कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शतैस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदश्च सहस्रसंख्यामेतच्छतं पञ्चपदं नमामि अनन्तवासीयतं गणहरदेवं अन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिचित्तो सुदृढमौव्यं शिरसा गुरुवः पान्तनो नित्यं जानदर्शनायकाचार्यं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाम् इति तत्त्वार्थादिसूत्रन् अपरनाम मोक्षास्त्रे सम्पूर्णसमार्गं निरूपयामीति बोलिए आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज की आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की परम पूज्य मुनि शिवानंद जी महाराज की निवेदन कर रहे हैं सभी की ओर से पूज्य मुनि श्री से उत्तम तप धर्म का विवेचन करने के लिए गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है लेता है जो भी दिल से गुरुदेव का नाम एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है एक पल में उसकी तकदीर निवेदन पूज्य मुनिश्री से आप सभी महान भाव अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे पंच परमेश्वर का स्मरण करेंगे ओंकार की मंगलमय ध्वनि के पहले हम इसके बाद आप ओ बोले मंत्र नवकारि सुखी बनाता जो भी पढ़े हृदय से अग्नि को नसाता हे आदि मंगल आई सब मंगलों में जायो इसे न भटको जग जंगलों में जायो इसे न भटको जग जंगलों में जायो इसे न भटको जग जंगलों में
देवादि देव परमेश्वर भी तेराग सर्वज्ञ तीर्थ कर से ते महानुभाव त्रिलोक्य नाथ जिन्ने पुंगव वर्धमान समिंगतोस्मि शरणं चरण दुयन्ते। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। देवादि देविक जड़ मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादि देविक जड़ साक्षात वेदी में विराजमान है आदिम बाबा एक हजार अठ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। देवादि देव महाराज धर्म चक्रवर्तक श्री धर्मनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की। उत्तम तप धर्म की। परम पूज्य मुनि पुष्पानंद जी मुनिराज की। धर्म स्नेही महान भाव जहां जन्म होता है वहां मरण निश्चित रूप से होता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। जो गर्भ में आता है वो जन्म लेता है। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष होता है। ऐसे ही जहाँ किसी भी कार्य की प्रारंभ किया जाता है तो उस कार्य का अंत भी जरूर होता है। दशलक्ष क्षण का प्रारंभ 14 तारीख से हुआ था और पहले से निश्चित है कि इसका 23 तारीख को समापन भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। सातवां दिन है आज। ये सातवां दिन उन सात तत्वों के समान है जो हमारे जीवन में प्रयोजन भूत तत्व होते हैं। प्रयोजन भूत तत्व यानी आवश्यक चीज जो है हमारे जीवन में वो ये सात तत्व हैं। वो सात तत्व जिसने अपने जीवन में अंगीकार कर लिए निश्चित रूप से वो ये इस भवसागर से पार हो जाता है। क्योंकि सातवां तत्व जो अपनी आत्मा के समीप तुम्हें ले जाए उसे उपवास कहा है। बाकी को उपवास नहीं कहा है। तो हमें जब भी उपवास करना है उपवास एक तप है ये बात तुम्हारी मानी। लेकिन जब भी तुम उपवास करो तो कम से कम 2-4-5 घंटे मंदिर में व्यतीत करो। घर में जाओ तो कम से 10-20 माला फेर लो। किसी से राग द्वेष इन सब चीजों से बच के रहो। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। मीठी मीठी वाणी बोलो। किसी को तुम्हारे माध्यम से कोई तकलीफ ना पहुंच जाए ये भी मन में विचार करो। यदि तुमने उपवास कर लिया और मंदिर में खड़े हो गए कोई अभिषेक करने आया उसने थोड़ा सा जल ज्यादा डाल दिया और तुमने उसकी तिया पांचा पूरा कर दिया उसका तो तुम्हारे उपवास करने से क्या मतलब? कई लोग होते हैं चतुर्दशी का उपवास करते हैं निर्जला करते हैं और जब मंदिर में आते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने को उतारू होते हैं। 10 लोगों को बताते हैं तुम मुझसे ज्यादा मत बोलो आज मेरा निर्जला है कल देख लेंगे तुम्हें। अरे भैया तूने एहसान किया किसी पे? यदि तूने निर्जला कर लिया तो किसी पे एहसान थोड़ी किया। तूने किया भैया अपने लिए किया। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए किया। अपने कर्मों की निर्जला के लिए किया। तूने दूसरे के लिए किया। दूसरे को दिखाने के लिए किया। महान भाव ऐसा तब कोई काम का नहीं। साधना करो ऐसी करो कि जिसमें आपके कर्मों की निर्जला हो। तो महान भाव जो 12 तप हैं उसमें जो पहले बहिरंग 6 तप हैं उसमें बताया गया कि अनशन नंबर 1 क्या है? अनशन अब मौदार्य वृत्ति परिसंख्यान अब मौदार्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेश और विविक्त सैयासन ये 6 बहिरंग तप हैं। ठीक है ना? और अंतरंग तप है प्राश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान। तो जो बहिरंग तप और अंतरंग तप ये 12 तप साधुओं के लिए होते हैं। किनके लिए होते हैं? साधुओं के लिए। इनकी उपयोगिता साधुओं के पास है। तुम्हारे पास उपयोगिता तो हो सकती है लेकिन अभ्यास रूप हो सकती है। यदि तुम्हें भी तप करना है यहाँ आ जाओ। जगह खाली है जहां तुम बैठना चाहो उस तरफ इस तरफ बीच में वहां तुम्हें बिठा लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, यदि तुम तप करना चाहते हो तो, वो तप करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, उपवास किया करते हो तुम लोग, निर्जला करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जिस दिन उपवास करते हो दूसरे दिन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हो जाती कि नहीं दूसरे दिन की, कल ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ऐसे पालना करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, करते ऐसी करते कि नहीं, आज तुमने निर्जला कर लिया हो कल पूरा विचार तुम्हारा बनना प्रारंभ हो जाता है। एक पंडित जी थे, पंडित जी का निमंत्रण हो गया, लोक सोवाणी मस्तक धरम सदा दे तो धोक, हे जिनवाणी भारती तोए जपोंदे नहीं जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, बोलो दो दसांग जिनवाणी माता की अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री वसुनाथ जी मुनिराज की, वामत हे सर्व सोक हारी सब रुख जा सोक नाम सारा क्यों विक्षा, रतन चढ़ित श्री पति निर्वाणा सर्व जीव को अनुपम प्राणा, ओम रम सोक तरु प्राद्य मंडल बर्धन महावीर जिंदा इनवार गुरु ने पपामत हे देव नो पूजे, तब निर्मल यत ज्ञान कराते भव जनों को निकट बुलाते, ओम रम देव दुंद विप्राति हम मंडल बर्धन महावीर जिंदा इनवार गुरु ने पपामत हे पुष्प बेष्ट तब चरणन होवे भव्य जनों के मन मल धोवे, पुष्प क्षमा तब गात बताया देखत सबका चित हर्षाया, ओम पुष्प बेष्ट प्रात मंड वर्धन महावीर जनन वह अर्घन रब पामत हे कीर्ति सर्व देह से वाणी पान करे निर्या तम ज्ञानी, जन्म तरामृत रोग निवारे भव सुख दे भव पार उतारे, ओम रिम दिव्य दुनि प्राते मंडल प्रधान महावीर जिंदा ने मार्ग नल पामति ही गोला देते गोला, बसो के दुख दारित जाय परम गुण हो जिन पर पूज महा सुख हो, अतिशय के बल बुद्ध के गाये नर बब अपना सफल बनाए परम गुण हो जिन पर पूज महा सुख हो, ओ मेरे सतयोजन सुभिक्ष केवल अज्ञात संयुक्त बर्धन महावीर जिंदा ने मार्ग नल पामति ही रिद्धि बल नभ गमन करे भवजन तिन को नमन करे गुण हो जिन पर बोझ महा सुख होय, अतिशय के बल बुद्ध के गाये नर भव अपना सफल बनाए परम गुण हो परम गुण हो ये जिन पर बोझ महा सुख हो, ओम प्रेम गगन गगन गमन केवल ज्ञान संयुक्त बर्धन महावीर जिंदा ने मार्ग नल पामति ही चवदीत परम गुण हो जिन पर पूज महा सुख होय, अतिशय के बल बुद्ध के गाये नर भव अपना सफल बनाए परम गुण हो ये जिन पर पूज महा सुख हो, ओम रिम कवला हार रहित केवल ज्ञान से संयुक्त परधन महावीर जिंदा ने मार्ग नल पामति ही सब भी सफल बनाए परम गुण हो ये जिन पर पूज महा सुख हो, सर्वविद्या ईश्वर तत्व केवल ज्ञान से संयुक्त परधन महावीर जिंदा ने मार्ग नल पामति ही वृद्धि, ओम ह्रीम सर्वपाप चल वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम सर्वपाप क्षरस वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम सर्वपाप चल वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम सर्वपाप चल वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम सर्वपाप क्षरस वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम रम सर्वपाप क्षरस वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम सर्वपाप क्षरस वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम सर्वपाप क्षरस वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम सर्वपाप क्षरस वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ब्रह्म 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 सर्वपाप क्षरस वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, सब जीवन की बंदी छोर रंग देश ते वंदन तोर राजेंद्र तरसे बतिय सो मेले नेमिनाथ बंदो सकली नेमिनाथ भगवान की, देत कियो उपसर्ग अपार ध्यान देखी आयो फंधार गयो कमट शट मुख कर श्याम नमो मेरु संपार श्याम, बोलो अपार धर्म पोत में धरे निहार डूबत काणे दया विचार वर्धमान बंदो बहुवार महावीर भगवान की, चौबीसों पद कमल जुग बंदो मन बचकाए धानत पड़े सुने सदा सो प्रभु क्यों ना सहा, पुष्पांजलि छिपे
मैं देव सी अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चाप सो आचार सी उपजाय पूज सात पूजो भाव सो अरहंति भाषित बेने पूजो द्वादशांग रची गने पूजो दिगंबर गुरु चरण शुभ हित सब आशा हनी सर्वांग भाषत धर्म दस वे दया मय पूजो सदा जज भावना सोड़त रत्र जा विनाश विन नहीं कदा त्रिलोक की कृतिम अकृतिम चेते चेत्याले जजुन पन मेरो नंदीश्वर जिना लेखा चर सर पूजित भजो कैलाश श्री सम्मेश किरणार गिर पूजो सदा चंपापुरी पाबापुरी पुनि और तीन सर्वदा चौबीस सिर जिन राज पूजो बीस क्षेत्र विदे के नामावली एक सहस वसुजे हो पति शिव के विन जाने बाजान के रहे टूट जो कोय तुम सांसते परम गुरु सो सब पूर्ण होए पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मन तो हीन धन हीन हो क्रिया हीन जन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव श्रद्धा से आराध पद पूजे भक्त प्रमाण पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण श्री जी ने भरी हराम भरी मृ मरवस्य अवसर आदि पंच प्रण पूजा विधि विसर्जन करो मही अपराधम क्षणो भवत हो यह 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 श्री जनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए प्रभु जी दुख दूर हो जाए प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए बैठ करके नमोस्तु करेंगे भगवान को तुभ्यम नमस्त्रुभुविनाते हराय नाथ तुभ्यम नमः चितितलामलभूषणाय तुभ्यम नमस्त्रिजगिता परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन भवोदधिशोषणाय बोलो आदिनाथ भगवान की चिंतन पारसनाथ भगवान की परम पूज्य मुनि दस्यवानंद पुष्पानंद जी महाराज की जय दक्षिण महापौरव की जय हो 3 बजे तत्वासुत की कलांश 6 बजे प्रतिक्रमण 7:30 बजे आरती 8 बजे प्रवचन और 8:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम